ओके कल हम लोगों ने बातचीत करी थी एवरेज डिविएशन की। तो हम लोग बेसिकली ये कल की क्लास में जानने का प्रयास कर रहे थे कि जब भी हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब वो स्टैट्स जो केवल डेटा को डिस्क्राइब करती है और उतने ही डेटा को डिस्क्राइब करती है या उतने ही डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है जितना कि डेटा उसमें यूज किया गया है। तो ऐसे में जब भी हम डेटा को डिस्क्राइब करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। एक तो हम लोग सेंट्रल वैल्यू देखते हैं, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, और दूसरे केस में स्प्रेड हम देखते हैं या वेरिएबिलिटी देखते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं बेसिकली डेटा कितना फैला हुआ है, कितनी दूर तक है। तो अगर हम क्लास के बच्चों के हाइट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर क्लास में 10 बच्चे हैं और अगर मैं बोलूं कि हमारी क्लास में सबसे कम हाइट 4 फीट है और सबसे ज्यादा हाइट 6 फीट है, तो मैं स्प्रेड बता रहा हूं कि हाइट का जो डेटा है वो कितना फैला हुआ है मेरी क्लास में। तो ऐसे में ये कहलाता है रेंज। तो सबसे सिंपल तरीका स्प्रेड का होता है रेंज। तो ऐसे में ये हाइट के डेटा को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एक तो सेंट्रल टेंडेंसी और दूसरा स्प्रेड या वेरिएबिलिटी। सेंट्रल टेंडेंसी ये बताती है कि सबसे सेंटर में डेटा के, अगर पूरे डेटा को हमने फैला दिया, अगर किसी ऑर्डर में फैलाया है तो उसका मिडल पॉइंट मीडियन, अगर ऑर्डर में नहीं फैलाया तो एवरेज वैल्यू क्या है, लगभग सभी का कितना स्कोर बैठा होगा, एवरेज फिक्स्ड वैल्यू की बात करनी है तो मीन, और मोड मतलब कि हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा बार आया है, तो फ्रीक्वेंसी या काउंट से हम मोड को देखते हैं। स्प्रेड और वेरिएबिलिटी में हम लोग हमेशा स्प्रेड को एक सेंटर वैल्यू के अराउंड देखते हैं और इस सेंटर वैल्यू से कितना दूर है बाकी का डेटा। ये सेंटर वैल्यू मीन हो सकती है, मीडियन हो सकती है, मोड हो सकती है। तो जब हम सिंपल डेटा की रेंज की बात कर रहे हैं तो हम स्प्रेड में रेंज कह रहे हैं। और कल हम लोगों ने बात करी थी एक रेंज की, और दूसरा अगर मान लीजिए हमारे पास में जो सेंटर वैल्यू यूज कर रहे हैं वो हम मीडियन यूज कर रहे हैं। मीडियन कब सबसे ज्यादा यूज करी जाती है, जब डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं। तो डेटा हमारा नॉर्मल हाइट्स है बच्चों की, सभी की जनरली जो पाई जाती है, बच्चा 4 फिट का है, 5 फिट का है, 6 फिट का है, मान लो कोई बच्चा 8.5 फिट का है, कोई बच्चा ज्यादा छोटा है हाइट में, तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज कहलाती हैं जो नॉर्मल डेटा से बाहर लाई करती हैं। तो अगर डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज हैं तो हम लोग उस डेटा का मीडियन निकालते हैं। पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, तो हमने डेटा का मीडियन निकाला। तो डेटा का मीडियन निकालने के लिए क्या करना होता है, मान लो हमारे पास सिंपल डेटा है, बच्चों की हाइट्स है 4, 5, 6, 3, ठीक है। तो मान लो ये 4 डेटा है हमारे पास में, तो हमने सिंपल चीज क्या देखी थी, एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस है मान लो हमारे पास हाइट है 2, 3, 4, 5, 6। तो ऐसे में जब डेटा में ऑड नंबर होता है तो हम लोग सीधे मिडल मोस्ट वैल्यू, जो इधर से भी बीच में पड़े और जो इधर से भी बीच में पड़े, उस वैल्यू को हम मिडल पॉइंट कहते हैं और ये मिडल पॉइंट मीडियन कहलाता है। तो ऐसे में फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल n+1/2th टर्म, यानी कि n है कितना, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5+1/2
एथ टर्म यानी कि थर्ड टर्म, तो यहां से 1 2 3, यहां से भी 1 2 3, तो बीच में यही बैठेगा। दूसरा, हम लोगों ने ऐसे डेटा के केस में बात करी थी जब डेटा इवन हो, तो जब डेटा इवन होता है तो हमने मीडियन कैसे निकालने की बात करी थी। सिंपल, सबसे पहले डेटा को ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी है, ये अरेंज्ड है ऑर्डर में, वो भी वो तो अरेंज था ही था, तो डेटा है 3 4 5 6। अब हमें क्या करना होगा, n बाय 2 करके देख लो, n है 1 2 3 4, 4 बाय 2 2, तो लेफ्ट से जो भी दूसरा वैल्यू है और राइट से जो भी दूसरा वैल्यू है, तो लेफ्ट से दूसरा वैल्यू होगा आपका 4, राइट से दूसरा वैल्यू होगा 5। अगर इवन है तो इन दोनों वैल्यू का जो एवरेज होगा या जो मीन होगा वो मिडल पॉइंट होगा, यानी कि 4 + 5/2, यानी कि 4.5, तो इस डेटा का सबसे बीच का पॉइंट होगा 4.5। तो ये हमने देखा था मीडियन के अंदर। और डेटा में जब हम मोड देखते हैं तो सिंपली हम क्या करते हैं, डेटा अगर मान लो ये किसी तरीके का डेटा है, तो हम ये देखते हैं कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई। तो डेटा में हमें देख के पता चल रहा है 8 1 2 3 4 टाइम्स, तो 8 चार बार आया, 7 1 2 7 दो बार आया, तो सबसे ज्यादा बार जो भी वैल्यू आती है वो उसका मोड बन जाता है। मान लो अगर 8 के साथ साथ 7 भी चार बार आता तो मोड इसका 8 और 7 दोनों बन जाता। तो एक डेटा के कितने ही मोड हो सकते हैं, बस उनका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम और सेम होना चाहिए। फिर हम लोगों ने क्या बात करी थी, क्विकली हम लोगों ने बातचीत करी थी कि जब डेटा का स्प्रेड निकालते हैं तो सबसे सिंपल होता है रेंज, जो हमने देख लिया कि भाई कितने से कितना है, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू को जब हम देखते हैं तो रेंज। दूसरा हमने देखा था इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज के अंदर हमने क्या देखा था, मान लो ये डेटा है हमारे पास में और इस डेटा के अंदर हम लोगों को इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी थी। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या थी, अगर हम इस पूरे डेटा को और इस पूरे डेटा का पहले मीडियन निकालो, तो मीडियन क्या होगा, n बाय 2 कर दो, तो n कितना है 6 6/2 3, तो यहां से तीसरा ये, यहां से तीसरा ये, इन दोनों का जो भी मीन वैल्यू होगा, यानी कि मीडियन क्या होगा इसका, 3 + 4/2, यानी कि यहां पे मीडियन कितना होगा 3.5, तो मीडियन 3.5 हो गया। जब भी हम इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालते हैं तो डेटा का मिडल मोस्ट पॉइंट को हम Q2 कहते हैं। Q2 का मतलब है कि ये पूरे डेटा को दो पार्ट्स में बांट रहा है, ठीक है, एक पार्ट ये जिसे हम लोअर क्वार्टर कहते हैं और एक ये पार्ट जिसको हम अपर क्वार्टर कहते हैं। अब हमें इस लोअर का मीडियन निकालना है और एक हमें इस अपर का मीडियन निकालना है। जो लोअर का मीडियन होता है उसको हम Q1 कहते हैं और जो अपर का मीडियन होता है उसको हम Q3 कहते हैं। तो यहां डेटा को देख सकते हैं, अगर इसका मीडियन देखना हो हमें, तीन वैल्यूज हैं 1 2 3, तो तीन वैल्यूज के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे,
टू, तो मिडल मोस्ट पॉइंट इसका क्या है? टू। यहां पे तीन वैल्यूज हैं तो मिडल मोस्ट पॉइंट क्या हो गया इसका? पांच। तो यहां पे हो गया पांच। तो डेटा के अंदर हम लोगों ने दोनों का मीडियन देख लिया, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है कि इस क्वार्टर की रेंज क्या होगी? तो वो होगी Q3 - Q1। तो Q3 है हमारा 5, Q1 है 2, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गई 3। जब हम इंटर क्वार्टाइल रेंज का आधा कर देते हैं, जब हम इंटर क्वार्टाइल रेंज बाय 2 कर देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? सेमी IQR या फिर क्वार्टाइल डेविएशन। जब हम इंटर क्वार्टाइल रेंज को बाई टू कर देते हैं तो उसको सेमी IQR या फिर क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। और लास्ट हमने क्या देखा था? एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन मतलब कि हम सबसे पहले डेविएशन स्कोर निकालेंगे और फिर उस स्कोर का एवरेज निकालेंगे। तो नाम क्या हो गया? एवरेज डिविएशन। तो मान लो हमारे पास में सिंपल सा एक स्कोर है 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मीन निकालेंगे, हमें डिविएशन निकालना है। तो डिविएशन स्कोर क्या होता है? डिविएशन स्कोर होता है वैल्यू का स्कोर माइनस मीन। तो सबसे पहले मुझे मीन निकालना होगा, तो मैंने डेटा का मीन निकाल लिया। तो 2 और 1 3, 3 और 3 छः, 6 और 4 10, और 5 15। 15/3 मीन आ गया, सॉरी 15/5 मीन आ गया 3। 3 5 15। तो हमारे पास में मीन आ गया 3। अब हम क्या करेंगे? अब जितना भी स्कोर था हमारे पास में, हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास मीन आ गया। तो हमारा मीन कितना हो गया? 3। तो अब हम क्या करेंगे? स्कोर -3, तो हर स्कोर में से -3 कर देंगे। तो जब हमने हर स्कोर में से -3 करा, तो नया स्कोर क्या बन गया? 1 - 3 - 2, 2 - 3 - 1, 3 - 3 0, 4 - 3 1, 5 - 3 2। तो जब हमारा ये स्कोर आ गया, तो एवरेज डिविएशन के साथ चैलेंज क्या आता है? अब ये नेगेटिव का क्या करें हम? अब ये हमारे पास में जो नेगेटिव आ गया है, इसका क्या करें? तो ऐसे में एवरेज डिविएशन सिंपली डेटा का मोड ले लेता है। मोड मतलब कि जो नेगेटिव है उसको बस प्लस मान लेता है। तो क्या होगा फिर? डेटा क्या बन गया हमारा? 2 1 0 1 2। तो प्लस माइनस को सीधे प्लस मान लिया हमने, कुछ चेंज नहीं करा। तो हमने ये कर दिया। और अब क्या हुआ? अब मुझे क्या निकालना है? एवरेज डिविएशन स्कोर। तो मेरे पे सारे डिविएशन आ गए, अब इनका एवरेज निकालना है मुझे। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सिंपली 5 नंबर है तो 5ों को जोड़ दो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 5। तो 2 और 1 3 4, 5 6 6/5, तो 5 1 5 लगभग लगभग 1.2। तो हमारे पास में एवरेज डेविएशन या फिर जिसको मीन डेविएशन कहते हैं या फिर मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कहते हैं, वो कितना हो गया? 1.2। अब इसके साथ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? क्या कोई मुझे बताना चाहेगा कि इस पूरे प्रोसेस में हम लोगों ने डेविएशन तो निकाल दिया एवरेज, तो डिविएशन का क्या मतलब हुआ?
तो डिविएशन का मतलब हुआ, एवरेज डिविएशन का मतलब हुआ, एवरेज डिविएशन 1.2 आ गया हमारा। तो इस एवरेज डिविएशन का मतलब क्या हुआ? कोई कहे आपके डेटा का एवरेज डिविएशन 1.2 है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मीन से 1.2 की गैप में आपका डेटा एग्जिस्ट करता है। तो आपके पूरे डेटे का जो डिविएशन है वो मीन से एवरेज 1.2 गैप पे है। तो यानी कि लगभग जो एवरेज आपके डिविएशंस का बैठ रहा है वो 1.2 का है। तो मीन से लगभग 1.2 के गैप पे आपका डिविएशन बैठ रहा है। तो एवरेज डिविएशन क्या बता रहा है हमें? मीन से 1.2 के गैप में आपके डेटा का एवरेज एग्जिस्ट करता है, यानी कि 1.2 के आसपास आपका डेटा फैला हुआ है। 1.2 से थोड़ा ज्यादा भी होगा, 1.2 से थोड़ा कम भी होगा, बट एवरेज ये है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज था एवरेज डिविएशन के साथ में। क्या याद है आपको? डेटा में जब हमारे पास स्कोर आया था -3, -2, 0, 2, 3, तो हमने बिना किसी बात के बस माइनस को सीधे प्लस मान लिया, मतलब डेटा का मोड ले लिया हमने। बट क्यों? ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है? नेगेटिव डेटा मतलब कि जीरो से या मीन से उसकी वैल्यू नीचे थी, प्लस मतलब मीन से ऊपर थी। माइनस हटा दिया तो यानी कि मीन से सारी वैल्यू ऊपर हो गई। तो ये करा क्यों हमने? तो सिर्फ इस वजह से एवरेज डिविएशन पसंद नहीं किया जाता। पहले कुछ था नहीं तो ये यूज कर लिया करते थे। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी कमी क्या है कि जो साइंस है डेटा के, कौन से डेटा के? डिविएशन स्कोर के। मीन से स्कोर कितना डिविएटेड है? अगर मीन से स्कोर नीचे की तरफ है, यानी कि मीन से कम वैल्यू है, तो ऐसे केस में जो नेगेटिव स्कोर्स आते हैं वो नेगेटिव स्कोर्स को एडजस्ट करने का कोई राइट तरीका एवरेज एब्सोल्यूट, इसमें मीन एब्सोल्यूट डिविएशन में या एवरेज डिविएशन में या मीन डिविएशन में नहीं मिलता। इस वजह से मीन एब्सोल्यूट डिविएशन या फिर एवरेज डिविएशन फील्ड में नहीं पसंद करा जाता। अब क्या करें भाई? अब तक हमें क्या पता चला? रेंज सिंपल है पर कोई खास इस्तेमाल नहीं होता इसका, कुछ खास नहीं पता चलता डेटा के बारे में। IQR मीडियन के साथ बेस्ट है और एवरेज डिविएशन जो कि मीन और मीडियन दोनों के साथ इस्तेमाल करा जाता है वो साइन को कंसिडर नहीं करता। ये भी अजीब चीज हो गई। तो ऐसे में हमें और कोई तरीका चाहिए था जिससे डेटा के स्प्रेड का पता चले। तो हमने वो तरीका निकाला, वेरिएंस। बट वेरिएंस की अपनी कुछ कमियां थी। वेरिएंस मतलब डेटा कितना वेरीड है इस बात का अंदाजा लगाने के लिए वेरिएंस की कैलकुलेशंस करी गई। तो वेरिएशन क्या करता था? वेरिएंस ने कहा कि जो भी एवरेज डिविएशन कर रहा था, भाई एवरेज डिविएशन क्या कर रहा है? साइन को कंसीडर नहीं कर रहा। तो यानी कि माइनस प्लस दोनों को प्लस कर देता है। तो वेरिएंस कहता है ऐसा करो ना, साइन हटाने का एक और तरीका होता है, क्या? स्क्वायर कर दो साइन का। साइन का स्क्वायर मतलब माइनस वन का स्क्वायर वन होता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। तो जो भी किया हमने सब पे स्क्वायर लगा दिया, प्लस वन का स्क्वायर वन होता है।
तो क्यों ना हम, अगर हमें डिविएशन देखना है तो क्यों ना डिविएशन हम स्क्वायर करके देख लें, ये वेरिएंस ने कह दिया। तो जब वेरिएंस निकाला गया डेटा का तो एक बड़ी नई समस्या पैदा हो गई। क्या समस्या पैदा हो गई? मान लो आपके पास में स्टूडेंट्स की हाइट है जो कि है मान लो फीट में या फिर सेंटीमीटर में, आपके पास हाइट है बच्चों की। अब एवरेज डिविएशन में बच्चे की हाइट भी फीट और सेंटीमीटर थी, चाहे माइनस को प्लस क्यों ना कर दिया हो, बट एवरेज डिविएशन में, एवरेज डिविएशन की जो वैल्यू आई थी 1.2, वो 1.2 फीट या 1.2 सेंटीमीटर ही होती। तो जो ऑब्जर्वेशन की यूनिट थी वही यहां की यूनिट थी, लेकिन जैसे ही हम वेरिएंस पे आते हैं तो वेरिएंस ने क्या कहा, स्क्वायर करके देख लो। अब जब स्क्वायर कर देंगे तो जो हाइट थी उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी वेरिएंस की वो फीट स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। तो फीट स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो ओरिजिनल फीट है सेंटीमीटर है, यूनिट्स बदल गई, सेंटीमीटर यूनिट और सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों अब दो यूनिट्स हो गई। अगर सेम यूनिट होती तो या तो दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर होते या दोनों सेंटीमीटर होते, या दोनों फीट होते या दोनों फीट स्क्वायर होते। तो जैसे ही स्क्वायर करा यूनिट बदल गई। अब यूनिट बदल गई तो पूरी की पूरी समस्या नहीं पैदा हो गई कि भाई अब हाइट हाइट ही नहीं रही, हाइट तो सेंटीमीटर में होती है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया तो क्या करें। तो फिर किसी ने कहा कि अगर डेटा को स्क्वायर करना पड़ रहा है तो क्यों ना इसका रूट ले लिया जाए, क्योंकि रूट का क्या फॉर्मूला होता है मैथ्स में, अगर हम ए का स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर हो जाता है, और अगर हम ए स्क्वायर का रूट कर दें, ये रूट ही होता है, तो ये वापस से ए बन जाएगा। तो क्यों ना हम इस वैल्यू का रूट कर दें। तो अब जो डेटा आएगा हमारे पास में वो फीट में और सेंटीमीटर में आएगा, और इसको कह दिया गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यानी कि हमें एक सिंपल सी चीज जाननी थी कि सेंटर से डेटा कितनी दूर है। तो हम पे पहली चीज थी रेंज, पर रेंज की क्या कमी थी, वो ज्यादा लंबा जाता ही नहीं, सिंपल है, सबसे छोटा वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू, भाई साहब ये रही रेंज। तो बच्चे की हाइट, सबसे छोटे बच्चे की हाइट क्लास में 3, सबसे बड़े बच्चे की हाइट 10, तो रेंज हो गई 3 फिट से 10 फिट, यानी कि 7 फिट रेंज हो गई, बट वो डेटा ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा। तो फिर हमारे पास आया इंटर क्वार्टाइल रेंज, लेकिन इंटर क्वार्टाइल रेंज मीडियन के साथ यूज करी जाती है, और डेटा में मीडियन तभी यूज किया जाता है जब डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज हो, क्योंकि साइकोलॉजी में ज्यादा बेहतर या ज्यादातर स्टैट्स में ज्यादा बेहतर मीन माना जाता है, पॉपुलर मीन है, तो मीन के साथ कैसे डेटा लाएं। तो किसी ने कहा कि एवरेज डेविएशन ले आते हैं, उसको मीडियन पे भी लगा सकते हैं, मीन पे भी लगा सकते हैं। अब जब मीन पे लगा दिया या मीडियन पे लगा दिया, पर एवरेज डेविएशन की समस्या क्या आई, वो बिना बात के बस माइनस को प्लस बोल देता है। तो माइनस मतलब मीन के नीचे था, पर उसने कहा नहीं इसको प्लस कर दो, उतना ही मीन से ऊपर मान लो, तो बड़ी अजीब बात हो गई, एवरेज डिविएशन यूज नहीं कर सकते थे। फिर समस्या बनी, तो अब करें तो करें क्या। तो किसी ने कहा अगर साइन समस्या है तो मैथ्स में स्क्वायर कर दो किसी चीज का तो साइन बदल जाता है, तो माइनस प्लस हो जाता है और प्लस प्लस रहता है, तो क्यों ना हम स्क्वायर कर दें डिविएशन का। तो जैसे ही डिविएशन का स्क्वायर करा तो यूनिट बदल गई, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई, फीट
फीट स्क्वायर हो गई। तो ऐसे केस में एकदम से पूरा का पूरा सिस्टम हिलने लग गया। क्यों हिलने लग गया? कि भाई यूनिट चेंज हो गई, अब तो सेंसी डेटा का वो नहीं रहा जो ओरिजिनल था। तो किसी ने कहा कि भाई साहब अगर स्क्वायर करके डेटा को स्क्वायर किया जा सकता है, यूनिट बदल सकती है, तो स्क्वायर का अगर हम रूट कर दें तो उसको वापस भी लाया जा सकता है। किसी चीज का रूट कर दो तो उसकी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाती है और ए ही बच जाता है। तो रूट कर दोगे तो ए स्क्वायर वापस से ए बन जाएगा, फीट स्क्वायर फीट बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर बन जाएगा। और ऐसे जन्म हुआ स्टैंडर्ड डिविएशन का। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब, डिविएशन का मतलब सेंटर वैल्यू से डेटा कितना डिविएटेड है, और स्टैंडर्ड मतलब वो जो स्टैंडर्ड रूल है, मोस्ट टिपिकल है, वो वैल्यू को हम स्टैंडर्ड कहते हैं। तो स्टैंडर्ड टिपिकल डिविएशन सबसे पॉपुलरली यूज करे जाने वाला मेथड डेटा के स्प्रेड को, या सेंटर से कितना डेटा दूर तक गया हुआ है, ये देखने का फिर बेस्ट तरीका क्या निकला? स्टैंडर्ड डिविएशन। आई होप यहां तक क्लियर हो। ठीक है, अब वापस बढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन पे। तो हम लोगों को सारी बात क्लियर हो गई, चीजें समझ में आ गई, पता चल गया कि स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे आया। हर किसी में कमी थी और डेटा का हमें स्प्रेड जानना था, इस वजह से हम लोगों को स्टैंडर्ड डिविएशन पे आना पड़ा। तो हम रेंज से इंटरक्वार्टाइल रेंज पे आए, इंटरक्वार्टाइल रेंज से एवरेज डिविएशन पे आए, एवरेज डिविएशन से वेरियंस पे आए, और वेरियंस से स्टैंडर्ड डिविएशन पे आए। तो हम क्यों वेरियंस के लिए डायरेक्टली, इसीलिए हम लोग क्यों वेरियंस के लिए डायरेक्टली हम लोग वेरियंस का फॉर्मूला या वेरियंस का स्टैट यूज नहीं करते? तो ऐसे केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वेरियंस से यूनिट चेंज हो जाती है, ये सबसे पहली चीज। दूसरा, वेरियंस एग्जैक्ट मेजर नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास में एक नया तरीका आ जाता है स्प्रेड देखने का। तो हम किसकी बात करेंगे? स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन स्प्रेड को जानने का काफी अच्छा तरीका है। दूसरा, स्टैंडर्ड डिविएशन वेरियंस का स्क्वायर रूट होता है। तीसरा, स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंपल फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला बन जाता है? कि अगर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन देखना है तो स्टैंडर्ड डिविएशन की क्यों जरूरत पड़ी थी? क्योंकि वेरियंस से यूनिट चेंज हो रही थी, तो हमें अंडर रूट करना पड़ेगा। अंडर रूट किसका कर रहे हैं हम? वेरियंस का। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? अंडर रूट। वेरियंस क्यों आया? क्योंकि जो एवरेज डिविएशन था वो नेगेटिव स्कोर को पॉजिटिव कर दिया करता था। तो यानी कि अंदर कोर में रहेगा तो डिविएशन ही। तो एवरेज डिविएशन को हम कैसे निकालते थे? एवरेज डिविएशन को हम लोग सिंपल डिविएशन का सम करके उसको एन से डिवाइड कर दिया करते थे। लेकिन एवरेज डिविएशन में माइनस की बड़ी समस्या थी, तो हमने उसको स्क्वायर कर दिया। तो सिंपल तरीके से देखा जाए तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला सीधे जर्नी से आ जाता है। किस जर्नी से आ जाता है देखते हैं। हमने सबसे पहले निकाला एवरेज डिविएशन। एवरेज डिविएशन क्या निकाला था हमने? स्कोर माइनस मीन, और इन सब का हम सम कर देते थे टोटल। लेकिन
इसकी समस्या थी और उसको n से डिवाइड कर दिया करते थे, मगर इसकी समस्या थी तो फिर हमने इसको स्क्वायर कर दिया वेरिएंस के लिए, पर इसकी भी समस्या थी तो इसका अंडर रूट ले लिया, और जैसे ही अंडर रूट ले लिया तो इसको हमने क्या कहा, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अगर कोर में देखा जाए तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्लेन तरीके से ये डेटा को देखता है। तो हमने क्या करा, सिंपली क्या फॉर्मूला बना हमारा, एवरेज डिविएशन स्कोर में से मीन माइनस कर दिया, उन सब को टोटल कर दिया, अपॉन एन कर दिया, तो ये हमारे पास एवरेज डिविएशन। लेकिन इसकी कमी थी तो स्कोर माइनस मीन का सम करने की बजाय हमने उसके स्क्वायर का सम कर दिया ताकि माइनस अपने आप प्लस हो जाए। तो जब माइनस प्लस हो जाएगा तो यूनिट चेंज हो जाएगी, यूनिट चेंज ना हो तो हमने उसका स्क्वायर रूट कर दिया। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर ये क्लियर हो गई है तो मैं फिर अगले पॉइंट पर बढ़ता हूं। एक बार सभी बताएं, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, सभी लोग कन्वे करें, क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? यहां तक अभी तक सब सिंपल है। स्टैंडर्ड डिविएशन को इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने को आ सकता है। स्टैंडर्ड डिविएशन वैसे तो कैलकुलेशंस नहीं आती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने को आ जाता है। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंडियंस एवरेज 7 घंटे सोते हैं, इंडियंस ऑन एन एवरेज अगर 7 घंटे सोते हैं हर रोज और स्टैंडर्ड डिविएशन उसका 1 घंटे का है, और अगर हम एक्सपेक्ट करें कि एक इंडियन सैंपल को रैंडमली चूज करा गया बिटवीन 6 and 8 hours ऑफ स्लीप, तो ऑब्जर्वेशंस आउटसाइड दिस रेंज आर पॉसिबल, बट मोस्ट ऑफ द वैल्यूज विल फॉल। अगर ये एवरेज है, एवरेज यानी कि मीन इज इक्वल्स टू 7 hours पर नाइट, इतनी स्लीप मिलती है, और किसी ने कहा कि मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और वो निकला 1 hour, देखो आर है और आर ही है, वेरिएंस होता तो आर स्क्वायर हो जाता जो कि पूरा पर्पज ही डिफीट कर देता, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 hour। अब इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा मतलब कि अगर 7 hours ज्यादातर सब सो रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 hour का मतलब कि प्लस 1 hour यानी कि 8 hours, माइनस 1 hour यानी कि 6 hours। तो माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन टू प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, मेजॉरिटी ऑफ वैल्यूज इसके बीच में ही आएंगी। ज्यादातर लोग 6 से 8 घंटे सोते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इतना टिपिकली यूज किया जाता है। बिल्कुल स्मृति, मैं अभी पूरा एक बार क्लियर करूंगा इस चीज को। तो जब भी हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं, वो इतना स्ट्रॉन्ग मेजर है स्प्रेड का कि वो हमें ये तक बता देता है कि प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे जाए मीन से, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर जाए, तो कितना परसेंट लोग इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। और अगर बढ़ा दिया जाए स्टैंडर्ड डेविएशन से मीन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर, फिर इसमें कितने परसेंट लोग होंगे ये वो भी बता देता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना बढ़िया मेजर है ये कि ये आसानी से डेटा का स्प्रेड बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बता देता है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे पॉपुलर सिस्टम माना जाता है स्प्रेड निकालने का। अभी स्मृति आपकी क्वेरी भी एड्रेस हो जाएगी इसमें।
तो क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो डेफिनेशन देखिए इसकी, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन होता है स्क्वायर रूट, क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज, एवरेज यानी कि यहां पे एन आएगा, जो भी है टोटल नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, एवरेज बन रहा है, ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन। स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन मतलब डिविएशन का क्या मतलब है, स्कोर माइनस मीन, स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन, एवरेज निकालना था तो सारे का जोड़ दिया डिवाइडेड बाय एन, तो क्या बन गया, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज डिवाइडेड बाय एन, किस चीज का एवरेज, ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन ऑफ ईच स्कोर। तो अगर 10 स्कोर है तो ये 10 स्कोर का डिविएशन सबको ऐड कर देंगे, वो सॉरी 10 स्कोर का डिविएशन सबका स्क्वायर कर देंगे, फिर सारे स्क्वायर्स को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय एन और उसका रूट निकाल देंगे। सिंपल। अब डेटा का डिविएशन के साथ कैसा संबंध होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन हमें क्या बताता है, स्टैंडर्ड डिविएशन हमें बताता है डेटा का स्प्रेड, फैलाव, कितना मेरे सेंटर पॉइंट से कितना फैला हुआ है। जो एक पतला व्यक्ति होगा उसका फैलाव कम होगा सेंटर से, मेरा इतना है, कोई मेरे से भी हेल्दी होगा उसका फैलाव ज्यादा होगा, तो ये हमारा स्प्रेड बता रहा है कि हमारा कितना चौड़ापन है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन स्प्रेड बताता है, कैसे बताता है, जब स्क्वायर कर देते हैं हम एवरेज का, किस चीज का एवरेज, यहां पे हम डिविएशन का, डिविएशन के स्क्वायर का एवरेज। तो यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बताता है हमें कि अगर ये एक डेटा है और इसका ये मीन है म्यू, तो इसमें अगर स्टैंडर्ड डिविएशन मान लो 5 है, 5 मतलब ज्यादातर डेटा यही के आसपास है, मीन के आसपास, तो क्या बनेगा, जो कर्व बनेगा वो पतला बनेगा। दूसरा, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ रहा है और मीन वही है सेम, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, मीन वही है, स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ गया मतलब चौड़ाई बढ़ गई, तो ऐसे में क्या किया जाएगा, तो यहां पे डेटा थोड़ा थोड़ा फैलने लगेगा। अब क्योंकि शरीर उतना ही है जितना था, तो अगर कोई चीज पिचक रही है या चौड़ी हो रही है, तो चौड़ी होगी तो नीचे से भी पिचकेगी, क्योंकि साइज वही है, साइज यही था, तो डेटा क्या होगा, चौड़ा हो जाता और पिचक जाता है। तीसरा, अगर मान लो स्टैंडर्ड डिविएशन और ज्यादा है 20, यानी कि सेंटर से काफी दूर दूर तक वैल्यूज हैं, तो स्पेस उतना ही रहेगा, अब उसको एडजस्ट करना है, तो डेटा उतना ही ज्यादा पतला हो जाएगा, फैल जाएगा, डेटा उतना ही ज्यादा पिचक जाएगा और फैल जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमें चौड़ाई बताता है, तो अगर कोई डेटा फैलेगा तो उसकी हाइट गिरेगी, अगर कोई डेटा पिचकेगा तो उसकी लंबाई बढ़ेगी।
आगे बढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डिविएशन की। स्टैंडर्ड डिविएशन काफी पॉपुलरली यूज किया जाता है, एक सिंपल तरीका, क्योंकि ये बेस्ट मेजर है, टिपिकली यूज किया जाता है सभी द्वारा। तो अगर सारे स्कोर्स की वैल्यू सेम है, सेम मतलब अगर सभी स्कोर्स की वैल्यू सेम है, तो ऐसे केस में जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा वो जीरो होगा। अगर सबकी वैल्यू एक ही है, मतलब ये मीन है और सबकी वैल्यू इसी पर है, तो डिविएशन जीरो हो गया। डिविएशन जीरो हो गया तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी जीरो हो गया। अगर मान लो कोई डेटा है और किसी डेटा का मीन है 5, 15 और स्टैंडर्ड डिविएशन है 3, मान लो, तो ऐसे केस में अगर हम जितने भी स्कोर्स थे, ओरिजिनल स्कोर्स जिसका हमने मीन निकाला, जिसका हमने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, अगर उन सब में एक फिक्स्ड नंबर, यानी कि अगर दो, मान लो मैं नंबर 2 हर डेटा में ऐड कर दूं, यानी कि मैं अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करूं हर स्कोर में से, तो स्टैंडर्ड डिविएशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर हम स्कोर्स में एक फिक्स्ड नंबर सब में ऐड कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर एक फिक्स नंबर सबसे हटा रहे हैं सारे स्कोर्स से, तो कोई चेंज नहीं आएगा। पर कुछ में से हटा रहे हैं, कुछ में से नहीं, तो चेंज आएगा। पर अगर सब में से नहीं हटा रहे तो चेंज नहीं आएगा। दूसरा, अगर हम मल्टीप्लीकेशन और डिविजन करने लगे, जो भी हमारे ओरिजिनल स्कोर्स थे जिसका ये मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन है, अगर हम हर में एक फिक्स्ड नंबर 5 मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज हो जाएगा। ये मैथ्स के तरीके हैं, मैथ्स के स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है। आप ट्राई करके देखिएगा, इंटरेस्टिंग चीज है। अगर डिफरेंट सैंपल्स लिए गए हैं सेम पॉपुलेशन में से, ये हमारी एक पॉपुलेशन है स्कूल स्टूडेंट्स की, क्लास 12th के, इसमें से एक सैंपल लिया रिसर्च करने के लिए, फिर दूसरा सैंपल लिया सेम रिसर्च को वेरीफाई करने के लिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम डिफर करेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों सैंपल का बहुत ही कम डिफर करेगा, लगभग एक जैसा होगा, सेम नहीं हो सकता लेकिन एक जैसा होगा। तो बहुत डिफरेंस एक ही पॉपुलेशन में अलग अलग सैंपल लेने से स्टैंडर्ड डिविएशन पे नहीं फर्क पड़ता, इसीलिए ये रोबस्ट माना जाता है। ऐसा क्यों भी है, इसको भी हम आगे देखेंगे। अगर इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ द सैंपलिंग, अगर हमने अलग अलग जगह से दो सैंपल लिए हैं, तो जो उनमें फ्लक्चुएशन हो रहा है, कुछ हल्के फुल्के चेंजेस होंगे, उन चेंजेस को ये एडजस्ट कर लेता है, इसीलिए सबसे कम फर्क पड़ता है इस पे अलग अलग सैंपल लेने से। स्टैंडर्ड डेविएशन की वही यूनिट होती है जो ऑब्जर्वेशन की यूनिट होती है। हाइट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हाइट भी सेंटीमीटर में रहेगी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेंटीमीटर में रहेगा। अगर कोई कर्व सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब धीरे धीरे हम नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व की तरफ मुड़ेंगे इसके बाद, अगर कोई कर्व ऐसा है जिसमें सारे डेटा को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो वो जैसा लेफ्ट में है, जैसा सेंटर के इस तरफ है ए, बिल्कुल डिट्टो ए इस तरफ है, ऐसे को हम सिमेट्रिक डेटा कहते हैं। तो अगर डेटा में सिमेट्री है, तो अगर डेटा में सिमेट्री है और ये हमारा मीन है म्यू, देन मीन में अगर ये पॉइंट
म्यू प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन और ये म्यू माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कि वन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इसके अंदर 68.26% डेटा होगा, इसके अंदर 68.26% केसेस लाई करेंगे डेटा होगा। दूसरा, अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन 2 कर दें, यानी कि इसका डबल एक और कर दें, और ये म्यू माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन और म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, तो इतने में, मतलब ये पूरे में आपके 99.45% डेटा मिलेगा। और तीसरा, अगर हम म्यू माइनस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन और म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन, तो इसमें टोटल 99.73% केसेस मिल जाएंगे। तो ऐसे में स्टैंडर्ड डिविएशन इतना स्ट्रॉन्ग स्प्रेड बताता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन से अगर सिमिट्री है डेटा में, तो हम आसानी से बता सकते हैं कितना परसेंट डेटा किस जगह लाई करेगा, या कितनी स्टैंड को कितनी स्टैंडर्ड डिविएशन में लाई करेगा। तो यह भी स्टैंडर्ड डिविएशन की बड़ी खास बात है। अगली चीज, जब भी हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं तो एक बड़ी समस्या आती है पॉपुलेशन और सैंपल की। क्या समस्या आती है? पॉपुलेशन और सैंपल की, क्योंकि क्योंकि पॉपुलेशन मतलब ऑल मेंबर्स, और सैंपल मतलब एक पॉपुलेशन थी उसमें से कुछ लोग लेके हमने रिसर्च करे थे। तो जब पॉपुलेशन में सारे मेंबर्स होते हैं, तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा आता है, हम उसको सिग्मा कहते हैं। तो ऐसे में स्टैंडर्ड डिविएशन जो भी पॉपुलेशन पे होता है वो एग्जैक्ट होता है, करेक्ट होता है, क्योंकि जितने लोगों पे जानना था उतने पे पता चल गया हमें। लेकिन जब हम सैंपल 10,000 की पॉपुलेशन थी और हमने उसमें से 500 लोग लिए और 500 लोगों को हमने अपना सैंपल बनाया, तो यहां पे जो स्टैंडर्ड डिविएशन थी वो काफी ज्यादा थी। अब पॉपुलेशन में से सिर्फ एक एरिया लिया है हम लोगों ने, तो हो सकता है कि काफी सारी एक्सट्रीम वैल्यूज हमसे मिस हो गई हूं। भाई, हमने एक बड़े में से एक छोटा सा पीस लिया है, तो जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉपुलेशन की रेप्लिका आई होगी। तो क्या होता है, जब हम सैंपल लेते हैं तो काफी सारी एक्सट्रीम वैल्यूज मिस हो जाती है, वो सब पॉपुलेशन में ही रह जाते हैं कुछ एक्सट्रीम केसेस। तो जब हम डेटा उठाते हैं तो ज्यादातर हमारे पास, अभी देखो कैसे पता चलेगा कैसे मिस हो जाती है। देखिए, अभी हमने क्या बात करी थी, जब हम मीन से सिमेट्रिक अगर पॉपुलेशन है, नॉर्मल डेटा है हमारे पास में, तो मीन प्लस माइनस वन स्टैंडर्ड डिविएशन में 68% केसेस आ जाते हैं, दूसरे में 95% केसेस आ जाते हैं,
तीसरे में 99% केसेस आ जाते हैं। तो जब हम सैंपल उठाते हैं तो वो ज्यादातर सैंपल इनमें से होता है, इसके अंदर 99.7% केसेस हैं, तो 99.73 केसेस में से ज्यादातर हमारा सैंपल होता है। तो इसमें बाकी भी तो केस रह गए, बाकी 0.27 केसेस कहां गए? तो एक्सट्रीम वैल्यूज जो होती है वो काफी बार पॉपुलेशन में ही रह जाती है, कभी कभी आ भी जाती है सैंपल में, पर ज्यादातर वो पॉपुलेशन में ही रह जाती है, क्योंकि जब मेजॉरिटी ऑफ जनता मीन के अराउंड लाए कर रही होती है तो हमारा सैंपल भी ज्यादातर वहीं से पिक होता है। भाई 99.73% बहुत होते हैं, इसी में से हमारा सैंपल निकलता है। तो जब सैंपल हमारा इसमें से निकलता है तो कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज इसी में रह जाती है। तो यानी कि जो भी सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन होता है जो कि एस कहलाता है, ये हमेशा इस वैल्यू से छोटा होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल इज लेस देन द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन तो एग्जैक्ट थी, 100% केसेस पे आया है ये, पर सैंपल ज्यादातर 99% लोगों में से आता है, तो कुछ डेटा सेट मिस हो जाता है। यानी कि जो सैंपल हमने निकाला उस सैंपल की वजह से जो पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन से एग्जैक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं आ पाता, तो स्टैंडर्ड डिविएशन कम आता है। तो क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन कम आता है, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन लेस होता है और ये स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा होता है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई ये तो बड़ी कमी हो गई, अब इसको करने के लिए क्या करते हैं हम सिंपल सी चीज करते हैं। अगर मान लो हमारे पास में 5 है और यहां भी 5 है, यहां मान लीजिए हमारे पास में, या सिंपल यहां 10 है और यहां भी 10 है, ऊपर का हम नहीं छेड़ सकते, ये पॉपुलेशन का है, ये हमारे पास में मान लो डिवाइडेड बाय 5 है, तो हम इसको छेड़ नहीं सकते, इसको भी नहीं छेड़ सकते, यहां 5 है, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें इस रिजल्ट को बढ़ाना है तो डिनोमिनेटर छोटा कर दो, 5-1, तो 10-10 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा? 2, और 10 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा? 0.something, पर जो भी होगा इस 2 से बड़ा है। तो यानी कि अगर हम सैंपल के एन को कम कर दें तो हम थोड़ा डिविएशन बढ़ा देते हैं, तो ऐसे केस में हमारा डिविएशन जो नेचुरली कम हो जाता है, क्योंकि हम जब पॉपुलेशन से सैंपल लेते हैं तो वो 99.73% से ज्यादा आता है, तो कुछ केसेस रह जाते हैं जिसकी वजह से सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन नेचुरली कम आता है। तो उस कम को एडजस्ट करने के लिए न्यूमरेटर में हम छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूमरेटर में डिविएशन स्कोर है, वो तो जितना स्कोर है उसी का लिया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं? हम सैंपल के एन को एक संख्या कम कर देते हैं ताकि हमारा ओवरऑल रिजल्ट की वैल्यू पिछले से ज्यादा आ जाए जब हमने एन यूज करा था। इसीलिए हमारे पास में स्टैंडर्ड डिविएशन के 2 फॉर्मूला होते हैं। एक फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन का,
पॉपुलेशन के इस फॉर्मूला को हम, मतलब इस स्टैंडर्ड डिविएशन को हम पैरामीटर कहते हैं, और दूसरा हो गया सैंपल, इसको हम स्टेटिस्टिक कहते हैं। तो क्या हुआ, क्या किया था हमने फॉर्मूला में, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या किया था हम लोगों ने, एवरेज, किस चीज का एवरेज था ये, किस चीज का एवरेज था ये, सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन। तो यानी कि यहां पे स्कोर माइनस मीन का स्क्वायर और उसका सम। तो हम जब सैंपल का निकालेंगे, जिसको हम एस कहते हैं और यहां पे सिग्मा कहते हैं, तो ये क्या निकलेगा, हम सैंपल का निकालते हैं तो सैंपल अंडर एस्टिमेट करता है, तो उससे डिविएशन नेचुरली गिर जाती है, तो बढ़ाने के लिए हम नीचे एक संख्या कम कर देते हैं और बाकी फॉर्मूला सेम रहता है, समेशन स्कोर माइनस मीन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन का और सैंपल का डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है ये हमें पता चल गया। तो यहां तक सभी को क्लियर है कि जब भी हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल की निकालने को कह रही है तो डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, अगर पॉपुलेशन की कह रही है तो डिवाइडेड बाय एन। तो यहां तक मुझे प्लीज बताइए, कोई क्वेरी है आप सभी की? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन में एक और चीज होती है कि जब भी सैंपल और पॉपुलेशन का फॉर्मूला डिफरेंट होता है, सैंपल के पॉपुलेशन में हम एक कम कर देते हैं डिनोमिनेटर में तो एन माइनस वन बन जाता है, पॉपुलेशन में एन रहता है। अगर सैंपल साइज बहुत बड़ा है, 500, 1000, 1500, 2000, 5000, तो जितना बड़ा सैंपल होता है वो पॉपुलेशन के उतने करीब होता है, तो नीचे चाहे एन हो चाहे एन माइनस वन हो फर्क नहीं पड़ता, बहुत हल्का फुल्का फर्क आता है, क्योंकि आप डेटा को 500 से डिवाइड करो या 499 से डिवाइड करो, स्कोर पे कुछ कहीं फर्क आएगा तो इतना आ सकता है, एक हो सकता है पॉइंट, एक हो सकता है 4.723, एक हो सकता है मान लो 4.723 है एक, तो दूसरा हो सकता है 4.721 या 722, तो पॉइंट में कहीं दूरी पे फर्क आ रहा होगा। लेकिन जब सैंपल साइज छोटा होता है, 5 लोग हैं आपके सैंपल में, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, तो सैंपल जब छोटा होता है तो एन और एन माइनस वन का काफी फर्क पड़ता है। हो सकता है आपका एन से स्टैंडर्ड डिविएशन जो है सैंपल का, वो मान लीजिए आपका आ रहा हो 1.2, तो छोटे सैंपल साइज में वो आपके एन माइनस वन करते ही 1.4 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, तो डिफरेंस काफी आ जाता है। लेकिन जब सैंपल साइज बड़ा होता है तो वो फर्क कम होता है, तो इसीलिए स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूले में सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अगर सैंपल साइज कम है। अगर बड़ा है तो एन एन माइनस वन कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो जितने भी आपके स्टैट्स हैं उसमें सब कुछ अब ऑटोमेटिकली सिस्टम करता है, या तो एसपीएसएस पे करते हैं आप लोग, एसपीएसएस सॉफ्टवेयर पे, एक्सेल में कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं,
आप डायरेक्टली सिस्टम ही सब निकाल देता है। तो ये जो करेक्शन हम करते हैं, क्योंकि सैंपल जो है वो अंडर एस्टिमेट, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, ये एसर्टिव रीजनिंग के पॉइंट्स हैं, स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कि जब भी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जाता है तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन सभी मेंबर्स के डेटा से आता है, लेकिन जब स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल का निकाला जाता है तो काफी बार बहुत एक्सट्रीम केसेस मिस हो जाते हैं सैंपल में आने से, जिस वजह से स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल का अंडर एस्टिमेट हो जाता है, यानी कि जो ओरिजिनल होना चाहिए था उससे थोड़ा कम हो जाता है। इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग सैंपल के फॉर्मूला में n-1 कर देते हैं। जैसे ही हम सैंपल के फॉर्मूला में n-1 करते हैं, उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है। जिस इस एडजस्टमेंट को हम बेजल्स करेक्शन कहते हैं। बेजल्स करेक्शन मतलब कि जहां पे हम फॉर्मूले में n की बजाय n-1 कर देते हैं, तो बेजल्स करेक्शन कर दिया हमने, ताकि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अगर थोड़ा कम हुआ है तो थोड़ा बढ़ जाए फॉर्मूले के अंदर ही, ताकि दूरी कम से कम रहे। तो अगर आपको एस्टिमेशन करना है, सैंपल से पॉपुलेशन पे जनरलाइज करना है, तो सैंपल के फॉर्मूला में n-1 होना जरूरी है। अगर सैंपल साइज छोटा है तो n-1 काफी इम्पैक्ट ला सकता है। अगर छोट सैंपल साइज बड़ा है तो n या n-1 का कम इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है बेजल्स करेक्शन की, वही है जो मैंने आपको बताया। एक सिंपल सा हम फॉर्मूला है उसको करके देखते हैं दो तरीके से। आप चाहें तो हम लोग ट्राई भी कर सकते हैं फॉर्मूला, पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ पॉइंट्स ध्यान रखें, क्योंकि कैलकुलेटर तो मिलता नहीं है, तो हम लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सिंपल सी चीज, √2 की वैल्यू होती है 1.41। वैसे तो जब भी सवाल आता है और अगर उसमें रूट निकल के आता है तो ऑप्शंस में भी रूट ही दिया होता है, पर फिर भी ये बहुत बड़ी जानकारी नहीं है अगर पता हो। √2 मतलब 1.41, √3 मतलब 1.73, √4 मतलब 2, √5 मतलब 2.3, √7 √6 क्या होगा, √6 होता है 2 × 3, यानी कि √2, 3 × √2, और √7 क्या होता है 2.6। बेसिक सी चीज है, लिखी मिलेगी वैसे आपको पीपीटी में, लेकिन एक सिंपल सी चीज पता हो तो कोई नुकसान नहीं है। √2 1.41, √3 1.73, √4 2, क्योंकि 2 × 2 तो जो स्क्वायर में सेम होता है वो बाहर आ जाता है 2, √5 मतलब 2.23, √6 मतलब √2 मल्टीप्लाइड बाय √3 √6, तो √7 मतलब 2.6। तो बहुत डिफरेंस नहीं है, पता होना चाहिए 1.41, 1.73, 2 2.23 और 2.6, तो हल्का फुल्का अंदाजा रहता है, तो काफी बार ऑप्शन में मदद मिल जाती है, थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाती है अगर ये पता हो। तो सिंपल सी चीज, हमारे पास डेटा दिया हुआ है, क्या डेटा दिया हुआ है 1 2 4 5 8, तो हम लोगों को स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। सैंपल है तो n-1, सैंपल है तो n-1, पॉपुलेशन है तो n। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, फॉर्मूला हमारा कहता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो स्क्वायर रूट है एवरेज का, किस चीज के एवरेज का बताइए, किस चीज के एवरेज का, सम ऑफ स्क्वायर्ड डिविएशन,
सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन मतलब स्कोर माइनस मीन के स्क्वायर का। तो सिंपल सी चीज है, स्कोर है हमारे पास, हमें मीन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल स्कोर है हमारे पास, इनका मीन निकालना है, तो इनका मीन कितना हो जाएगा, आप सब निकाल के देखिए, तो इसका मीन कितना हो जाएगा, दो और एक तीन, तीन और चार सात, सात और पांच बारह, बारह और आठ बीस, बीस भाग पांच चार, तो मीन आ गया चार। अब जैसे ही मीन आ गया तो हमें हर में से मीन माइनस करना है, जब हर में से मीन माइनस करा तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस थ्री, माइनस टू, जीरो, वन, फोर। अब इन सब का स्क्वायर कर देना है, यानी कि माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, टू का स्क्वायर फोर, जीरो, वन, सिक्सटीन, इन सबको प्लस कर दो, क्योंकि ये सम ऑफ स्क्वायर्ड डिविएशन का है, तो स्क्वायर्ड डिविएशन का, डिविएशन का स्क्वायर उसका सम, तो क्या आ गया, नौ चार तेरह, तेरह एक चौदह, चौदह छह बीस और दस तीस, तो तीस आ गया हमारे पास में। अब तीस क्या है हमारे पास में, तीस है सम ऑफ स्क्वायर्ड डिविएशन, ये अंदर की वैल्यू थर्टी आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें यह देखना है कि यह सैंपल का निकालना है या पॉपुलेशन का। तो अगर सैंपल का निकालना है, ऊपर की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई, तो डिवाइडेड बाय n माइनस वन, फाइव माइनस वन, पॉपुलेशन है 30 डिवाइडेड बाय n, फाइव, 30 डिवाइडेड बाय 4, और ये हो जाएगा 5 6 30 रूट सिक्स। तो यहां पर जब हम निकालेंगे तो क्या हुआ कि 4 से हमें निकालना है, तो ये बैठ गया 7.5, 15 15 बाय 2 7.5, तो 7.5 और रूट सिक्स का हो गया 2.4। तो हम लोगों को यहां पे अंडर रूट 7.5 मिला है और अंडर रूट का 6 2.4 हो गया है, तो अंडर रूट 7.5 यहीं से देखना पड़ेगा, 2.7। तो फाइनल वैल्यू क्या है, रूट 7.5 या रूट 6, और उसको फर्दर कर दिया तो 2.7 और 2.4। तो देखिए सेम डेटा में n और n माइनस वन करने से एक डेटा की वैल्यू 2.7, एक की 2.4, 0.3 का डिफरेंस आ चुका है। 0.3 का डिफरेंस अच्छा खासा डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये आपका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन का। अब ये तो हो गया, ये मैंने बता दिया आपको। अब आता है लास्ट पार्ट, ये हमारे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाता, कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस, लेकिन असर्टिव रीजनिंग क्वेश्चन, क्योंकि अब धीरे धीरे एनटीए के एग्जाम्स थोड़े से अलग तरीके के होते जा रहे हैं, तो एक दो चीजें एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए। क्या होता है, हम लोगों को क्या पता चला, जब हम ये चीज नहीं भूलनी है हमें, क्या चीज नहीं भूलनी, जो हमने ओरिजिनली बात करी थी, क्या बात करी थी ओरिजिनली, कि सबसे पहला होता है रेंज और वो काफी सिंपल होता है, फिर हम लोग आ जाते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज पे और वो केवल मीडियन के लिए होता है, फिर हम आ जाते हैं एवरेज डिविएशन पे, और एवरेज डिविएशन में हम एक्स माइनस एक्स बार करते हैं, लेकिन जो माइनस होता है उसको हम मोड लगा देते हैं, तो सीधे माइनस को प्लस कर देते हैं, जिस वजह से इसकी लिमिटेशन हो जाती है। तो फिर हम वेरिएंस पे आते हैं, वेरिएंस कहता है
कि एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करके देखो, पर स्क्वायर करने से यूनिट चेंज हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रूट निकाल लेते हैं, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाता है। अब जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसकी खास बात क्या है कि वो वेरिएंस स्क्वायर का रूट है, तो स्क्वायर से रूट कट गया। तो ऐसे केस में जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो वही हो जाता है यूनिट जो यूनिट सिस्टम की रहती है। तो यूनिट का स्क्वायर और ये लेते हुए ये कट जाते हैं, तो यूनिट ही बचती है सिंगल। अब मान लीजिए रिसर्चर ऐसे डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन जानना चाहता है या ऐसे डेटा का डिविएशन जानना चाहता है जो अलग अलग डेटा है, हाइट में डिविएशन कितना था और वेट में डिविएशन कितना था, इन दोनों को कंपेयर करना चाहता है दोनों को। बट कंपेयर कैसे करें, एक हाइट है सेंटीमीटर में, एक वेट है केजी में, दो अलग यूनिट। हाइट में हाइट होती तो हम कंपेयर करके बता देते इसमें इस हाइट में डिविएशन कम है, उस हाइट में डिविएशन ज्यादा है, लेकिन हाइट और वेट के डिविएशन को कैसे कंपेयर करें। तो ऐसे केस में जब या तो व्यक्ति अलग अलग डेटा सेट में डिविएशन को कंपेयर करना चाहता है कि भाई मान लो भूमिका की रिसर्च में डिविएशन कितनी आई है और मेरी रिसर्च में डिविएशन कितनी आई है, मैं इनको कंपेयर स्टैंडर्ड डिविएशन से नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि भूमिका की स्टैंडर्ड डिविएशन जो आई थी और मेरी जो स्टैंडर्ड डिविएशन आई थी मैं उसको सिंपली कंपेयर कर दूं। वो तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट ना हो। तो ऐसे केस में हम लोगों को ऐसे सिस्टम पे आना पड़ता है जो सारी यूनिट्स, चाहे वो केजी हो, सेंटीमीटर हो, लीटर हो, कुछ भी हो, उसको एक कॉमन यूनिट दे दे। और सबसे अच्छी कॉमन यूनिट क्या होती है, परसेंटेज। अगर हम रेशो निकाल दें किसी चीज का, मान लो सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है, तो यूनिट जो है 100 से मल्टीप्लाई करते ही परसेंटेज बन जाती है। तो कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन बताता है क्या, वेरिएशन बताता है परसेंटेज में वेरिएशन बताता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, CV इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100%। तो ये आपने मान लो भूमिका और मुझे अपनी रिसर्च का डिविएशन कैलकुलेट करना है, तो मैंने अपनी रिसर्च का निकाल दिया, तो मान लो मेरी रिसर्च से स्टैंडर्ड डिविएशन आया 20% और भूमिका की रिसर्च का आया 25%। अब मैं कह सकता हूं कि भूमिका की रिसर्च में स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है और मेरे में स्टैंडर्ड डिविएशन कम है। तो ये चीज हम कर पाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से, जो कि परसेंटेज में हमें बताता है यूनिट्स को कैंसल आउट करके कि कौन से वाला कहां बेहतर यूज किया जाता है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर बस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है आपका। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम लोग इसको यहीं पे रैप अप कर देते हैं ताकि कल से हम लोग फिर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे आ जाएं। तो यहां तक अगर कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, तो प्लीज मुझे बताइए, अदरवाइज हम लोग क्लास को यहीं पे रैप अप करते हैं। कोई भी क्वेरी कंसर्न हो आप सभी के तो प्लीज मुझे बताइए। काइंडली सभी लोग कोई क्वेरी हो, कोई कंसर्न हो तो बताइए, अदरवाइज हम क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी सुनने में थोड़ा सा सरल सा लग जाता है, लेकिन जब आप इसको खुद पढ़ेंगे या नोट्स को रेफर करेंगे तो थोड़ा चैलेंजिंग साउंड कर सकता है। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि इस पीपीटी में आपको सिंपल से सिंपल एक्सप्लेनेशन मिले, तो मैंने बहुत सरल तरीके से चीजों को लिखने का प्रयास किया है। तो आप लोग इसको रेफर करिएगा और इससे क्लैरिटी लीजिएगा
और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, स्टैंडर्ड डिविएशन वाले, कोरिलेशन वाले, ये एक्चुअली बड़े सवाल को समझने में बहुत मदद करते हैं। तो इसीलिए ये छोटे कॉन्सेप्ट्स पर अच्छे से हमें पकड़ बनानी चाहिए। एक तो लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, एक वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को पहचानना, हाइपोथीसिस टेस्टिंग वाला पार्ट जिसके अंदर नल और अल्टरनेट हाइपोथीसिस बनाना, सिग्निफिकेंस पे कितनी पे रिजेक्ट हो रही है, कितनी पे एक्सेप्ट हो रही है ये पता होना, स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूला के डिफरेंस का पता होना, ये कोरिलेशन कब यूज किया जाता है, स्पेशल कोरिलेशन कब यूज करे जाते हैं, ये सबसे सिंपल चीजें आपकी हर चीज को सरल बना देती है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड वी विल बी कनेक्टिंग अगेन टुमारो फॉर द क्लास। थैंक यू सो मच, थैंक यू।